ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वरिंद्र राम के सहयोगियों को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद पीएमएलए की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पहले भी चार और उसके बाद तीन दिनों की रिमांड मिल चुकी है। पिछले दिनों ही ईडी ने नीरज मित्तल, ताराचंद और राम प्रकाश भाटिया को गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपी पर वरिंद्र राम के ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप। बाबूलाल मरांडी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि बीजेपी ने मजबूरी में यह कदम उठाया है और बाबूलाल के अध्यक्ष बनने से रघुवर दास और अर्जुन मुंडा के सामने चुनौती हो गई है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी झामुमो के लिए कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सालों तक बीजेपी की नीतियों का विरोध करता रहा, उसे भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर साबित कर दिया है कि पार्टी के पास नेता नहीं है। महागामा विधानसभा क्षेत्र से कई बार चुनाव लड़ चुके सामाजिक कार्यकर्ता अशोक कुमार सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अशोक सिंह के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि संताल के लोगों का भाजपा के प्रति विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आईपीएल क्रिकेट की टीम मुंबई इंडियंस के लिए चयनित विकेटकीपर सह बल्लेबाज रॉबिन मिंज ने शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि मुंबई इंडियंस द्वारा उन्हें यूनाइटेड किंगडम में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर के लिए बुलावा है। यह शिविर अगस्त महीने से शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिभावान क्रिकेटर रॉबिन मिंज को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने बयान देते हुए कहा कि जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक में सीटों को लेकर चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सिबू सोरेन और हेमंत सोरेन कार्यकर्ताओं की भावना से अवगत हुए। बाबूलाल मरांडी को लेकर झामुमो सांसद ने कहा कि सिबू सोरेन से बड़ा कोई आदिवासी चेहरा नहीं है। बेबी देवी को मंत्री बनाए जाने पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है। लिट्टीपाड़ा के पूर्व जीप सदस्य सह पहाड़िया नेता शिवचरण मालतो ने बेबी देवी को मंत्री बनाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक के लिए मंत्री बनाया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की स्थिति ठीक नहीं है। चुनाव से पहले किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2024 में परिवर्तन की मांग है। 2024 में बदलाव दिखेगा। धनबाद में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की रोक और सख्त आदेश के बावजूद सिंगल यूज पॉलिथीन का कई दुकानदार धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। इसी पर पूर्णतः रोक लगाने के उद्देश्य से निगम ने हटिया में जांच अभियान चलाया। निगम के फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में ये जांच अभियान चलाया गया, जिसमें राम कुमार वर्मा सहित इन्फॉर्मेंसमेंट की टीम मौजूद रही। इस दौरान दर्जनों दुकानों में औचक जाँच की गई और जुर्माना भी वसूला गया। पाकुड़ में आदिवासी समाज के लोगों ने ओलिचिक सहित कई मांगों को लेकर दुमका पाकुड़ मुख्य सड़क को जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। सड़क जाम रहा उनकी मांगों में संताली भाषा का ओलचिकी लिपि से पुस्तकों का मुद्रण और पठन पाठन प्रारंभ करने, संथाली शिक्षकों की बहाली करने, संथाली भाषा को प्रथम राज्य भाषा का दर्जा देना शामिल है। हजारीबाग के पदमा थाना क्षेत्र के NH 33 के पास चारपहिया वाहन अनियंत्रित होकर पानी भरे कुएं में गिर गई। इस गाड़ी में कुल 9 यात्री सवार थे। सभी को कुएं से बाहर निकाला गया। हादसे में 6 की मौत हो गई है, जबकि 3 को जख्मी हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल है। मरने वालों में 4 पुरुष, 1 बच्ची और 1 महिला शामिल है।